क्राइम में धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करूंगा गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब मेरी सांस तो रोक लो ले। लेकिन इस हवा को कैसे रोक आखिर शाहरुख खान की पठान के सेट पर क्यों बढ़ाई गई सिक्योरिटी क्या होने वाली है पठान की खास बातें कब तक ये फिल्म रिलीज होगी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हैं जाल पिछले दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान के सेट पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के बीच खूब जमकर झगड़ा हुआ यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ तक मार दिया था खबर है कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा इस घटना पर काफी नाराज हुए और इस तरह की घटना को लेकर काफी गंभीर भी है आदित्य चोपड़ा के एक करीबी दोस्त ने बताया कि इसके चलते आदित्य ने सेट पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है सूत्रों का कहना है कि हालांकि पठान की यूनिट इस घटना को पूरी तरह भुलाने की कोशिश कर रही है लेकिन उस समय वहां पर काफी फिजिकल झगड़ा हो गया था इससे पहले आदित्य की फिल्म के सेट पर कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी और अब जब इस घटना के और अब जब इस तरह की घटना हुई है तो वो भी शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे के सेट पर तो इससे वो काफ़ी आहत हुए हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो इस वजह से आदित्य इस घटना को हल्के में लेने के मूड में नहीं है उन्होंने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और वो सेट की सुरक्षा भी बढ़ाना चाहते हैं सूत्र ने आगे कहा शाहरुख की बात करें तो वो इस घटना को लेकर सेट पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं हम सेट पर आदमियों को लड़ने नहीं दे सकते यह एक बड़ी फिल्म का सेट है ना कि कोई बार पठान में शाहरुख के साथ आपको बता दें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है मुख्य विलन की भूमिका में आपको जॉन अब्राहम नजर आएंगे और यह पहली बार होगा जब बिग स्क्रीन पर शाहरुख जॉन एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे वहीं इस फिल्म की खास बात ये भी होने वाली है कि सलमान खान की एंट्री होने वाली है ऐसे ए केमियो रोल और बहुत सालों बाद ऐसा होगा जब हम दो बड़े खान्स को एक साथ देखेंगे और फैंस भी यही चाहते हैं कि कब हम इन दोनों को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखें सलमान खान के रोल की बात करें तो टाइगर के रूप में वो नज़र आएंगे और ये रॉ एजेंट्स की कहानी है जिसमें कि दीपिका शाहरुख उनके साथ डिप्पल कपाड़िया गौतम रोड़े ये सब रॉ एजेंट होंगे और जब ये मुसीब ब्बत में फंस जाएंगे जब इन पर कोई चारा नहीं रहेगा तब होगी हमारे टाइगर की एंट्री और ये धमाकेदार रोल होने वाला है सलमान खान का इस फिल्म में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए क्योंकि बड़ी स्टार कास्ट है शाहरुख खान की इतने सालों बाद कोई फिल्म आने वाली है उसके अलावा आदित्य चोपड़ा इसे करियर बेस्ट फिल्म बनाना चाहते हैं शाहरुख खान की तो आपको कितना इंतज़ार है पठान का और दीपिका और शाहरुख और सलमान की केमिस्ट्री को देखने का नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को